Hi, this is Anutanto and you are watching Tech Room. Chinese phone या non-Chinese phone, मतलब OnePlus Note 2 5G या Samsung Galaxy FE22 S5G, इन दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा? तो टेंशन क्यों ले रहे हो? अपन है ना वीडियो में सब कुछ अच्छी तरीके से हर एक चीज डिटेल में डिस्कस किया हो, सो मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगा ये वाला वीडियो। तो देखिए वीडियो को पूरा, तो देर ना करते हो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोथ फोन्स आर कम विथ 5G कैपेबिलिटी। तो यहाँ पर जीता कौन? ऑब्वियसली सैमसंग गैलेक्सी FE22 S5G, बिकॉज यहाँ पर हम लोगों को टोटल 12 5G बैंड देखने को मिल जाता है। और दूसरी तरफ नॉट 2 की बात करो तो यहाँ पर ओनली 5G बैंड देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हम लोगों को टोटली प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है सैमसंग गैलेक्सी FE22 S5G के अंदर। उसके बाद डिस्प्ले की बात करो तो FE22 S के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है 6.5 इंच के 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले का सपोर्ट। और दूसरी तरफ नॉट 2 की बात करो तो यहाँ पर हम लोगों को 6.43 इंच का 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। सो यहाँ पर दोनों ही फोन के अंदर अच्छे से अच्छे डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। सो ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में बोथ आर गुड। देन FE22 S के अंदर हम लोगों को एक अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है, मतलब ये फोन हमारे सामने IP67 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के साथ देखने को मिलता है। सो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा एक प्लस पॉइंट फोन के अंदर देखने को मिल जाता है। देन आता है प्रोसेसर, ठीक है। नोट 2 के अंदर हम लोगों को देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर के सपोर्ट। और दूसरी तरफ FE22 S की बात करो तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का ऑल न्यू लेटेस्ट 778 5G प्रोसेसर। सो यहाँ पर प्रोसेसर के मामले में ऑब्वियसली नोट 2 सबसे ज्यादा आगे निकल जाता है FE22 S से, बट यहाँ पर FE22 S के अंदर भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिलता है नोट 2 से, जो है कि बैटरी परफॉर्मेंस। सो एक तो प्लस पॉइंट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल बात करो तो दोनों फोन अच्छे प्रोसेसर के साथ देखने को मिल जाता है हम लोगों को। इसके बाद कैमरा सेटअप की बात करो तो FE22 S के अंदर देखने को मिल जाता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप, और नोट 2 के अंदर देखने को मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। बाय द वे क्वालिटी के बारे में बात करो तो आई थिंक इसके बारे में मेरे को बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली डिवाइस मौजूद नहीं है। सो ऐसे अगर मैं आप लोगों को कुछ हिंट्स दूँ तो यहाँ पर ऑब्वियसली मेरे हिसाब से नॉट 2 बेटर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को FE22 S से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सेंसर देखने को मिल जाता है, मतलब सोनी का सेंसर। सो यहाँ पर ऐसा नहीं कि FE22 S के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा कैमरा के मामले में, क्योंकि FE22 S भी बहुत ही अच्छा खासा कैमरा सेंसर के साथ हमारे सामने आते हैं। और सैमसंग के फोन के अंदर भी बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिल जाता है हम लोगों को। देन पावर सप्लाई, मतलब बैटरी सेटअप की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो बोथ फोन्स आर कम विद 4500 मिली एम्पियर बैटरी कैपेसिटी। और चार्जिंग सपोर्ट की बात करो तो FE22 S के अंदर देखने को मिलता है 25 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एंड दूसरी तरफ नोट 2 के अंदर देखने को मिलता है 65 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। सो यहाँ पर अगर आप अपने फोन को जल्दी से जल्दी चार्ज करना चाहते हैं, ऑब्वियसली नोट 2 इज बेटर FE22 S। तो अभी तक जितने भी पॉइंट्स के बारे में मैं बात की हूँ आप लोगों से, मतलब डिस्प्ले, बैटरी कैपेसिटी, प्रोसेसर वगैरह वगैरह, कैमरा, जो भी है, ये सब हर एक बंदे को स्मार्टफोन खरीदने से पहले पता होना जरूरी है। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता चल गया होगा कौन सा फोन अच्छा होगा। और कैमरा क्वालिटी मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाया हूँ, सो उसके लिए सॉरी। बाय द वे और जो भी है सब कुछ मैं डिटेल में आप लोगों से शेयर किया हूँ, अभी आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी स्मार्टफोन खरीदने में। सो अभी मैं मेरा ओपिनियन अगर आप लोगों से शेयर करो तो कौन सा फोन सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो यहाँ पर बोथ फोन्स आर गुड, दोनों फोन के अंदर ही हम लोगों को बहुत सारे प्लस पॉइंट एंड कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा और बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको नोट 2 की तरफ जाना चाहिए, और नहीं तो अगर एक नॉन चाइनीज एंड सब कुछ एकदम परफेक्ट और परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा है, थोड़ा सा कम है नोट 2 से, तो उसके लिए आप लोगों को FE22 S की तरफ जाना चाहिए। और आखिर में अगर आप मेरे से पूछेंगे कौन सा स्मार्टफोन की तरफ मैं जाना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन की तरफ ही जाऊँगा, मतलब सैमसंग FE22 S। और सबसे आखिर में प्राइस की बात करते हैं, यहाँ पर FE22 S का जो स्टार्टिंग प्राइस है वो देखने को मिलते हैं हम लोगों को 35,999 रुपीज़। और वन प्लस नोट 2 की बात करते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाता है 27,999 रुपीज़। सो FE22 S के थोड़ा सा नहीं बहुत ही ज़्यादा है, बट नॉन चाइनीज स्मार्टफोन में हमेशा प्रेफर करता हूँ। बाय द वे ऑप्शन अगर हमारे सामने नहीं रहता है ना तो चाइनीज भी सही है। तो आज के लिए वीडियो को इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।